फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं शाही जर्दा और आपको इसे देखने में पता चल रहा होगा कि ये टेस्टी कितना है। और सबसे पहले हम खोया तैयार करते हैं, जो मैंने ऊपर की टॉपिंग डाली थी। इसके लिए 150 ml या 250 ml आप मिल्क गर्म करेंगे। इस तरीके से मैंने 1 कप मिल्क यानी 250 ml मिल्क लिया। ये 1 teaspoon शुगर डाला। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको उसको धीरे धीरे कुक करते रहना है। अब यहाँ मैंने डाला फ्रेश ब्रेड का चूरा, और ये ब्रेड आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, जब जितनी आपको थिकनेस चाहिए। अब यहाँ डाला मैंने सैफ्रन यानी कि केसर। अब इसको अच्छे से आप हिलाते रहिए, बिल्कुल आपके कॉन्टिन्यूस आपको हिलाते रहना है इसको, ताकि नीचे से चिपके नहीं। अब डाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए एंड स्मेल के लिए केवड़ा हमने डाला। आप अच्छे से दोबारा आप इसको हिलाते रहिए जब तक ये थिक ना हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक हो रहा है ये, देखिए ये थिक हो चुका है। इतनी थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, देखिए बेटर है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखिए। अब ये वर्मिसरी है यानी कि सेवियाँ 1 कप। ये हमारी होममेड सेवियाँ हैं, इंशाल्लाह मैं इसके भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से आप रोस्ट कीजिए, और आप इसमें हम सफिशेंट पानी डालते हैं, इतना पानी डालिए कि जितने में ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए ये सेवियाँ। अब यहाँ थोड़े से मैंने खड़े मसाले खुशबू के लिए डाला है, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर डाला है, आप चाहे तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बस मिक्स करते रहिए। अब ये भी स्लो फ्लेम पर कुकिंग हो रही है, ठीक है। इसको आप कवर कर दीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब देखिए, जैसे मैंने ओपन किया, पानी सूख चुका है, और अब हम इसमें शुगर डालते हैं। शुगर मैंने यहाँ 2 big spoon डाली, 2 बड़ी चम्मच चीनी। यहाँ डाला हमने घी, कि आप डिज़ायरेबल डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जितना आपको चिकनाई इसमें चाहिए। बस इसको हल्के हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करते रहिए, और मैंने गैस ऑफ कर दी है इसमें। अब बस थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा मैशी लग रहा है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। देखिए, बस प्लेट में से इस तरीके से डेकोरेट कीजिए, और जो हमने मावा बनाया था ब्रेड का, देखिए कितना टेस्टी देखने में लग रहा है। आप इसको इस तरीके से ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लेट में कीजिए या सेपरेट बोल में भी कर सकते हैं। बस ऊपर से डालिए चॉप ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके पास है, जिस भी तरीके के हैं, और इसमें मैंने चेरीज डाली है, चाहे तो आप रसगुल्ला भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। देखिए, इसमें ना हमने मावे की जरूरत खोया हुआ है, कुछ भी नहीं यूज़ किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।